अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने हेल्पर्स का टैब कल कंप्लीट पढ़ लिया था, और आज हम यूटिलिटीज़ का टैब शुरू करेंगे। ठीक है, यूटिलिटीज़ हमने ऑलरेडी देख ली हैं, पर उसमें से मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा जो जो हमने नहीं पढ़ी या जो पढ़ी हैं तो हम उसको सिर्फ एक नज़र गुजारेंगे उससे। जैसे हमने इसमें बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, कलर्स, डिस्प्ले और फ्लैक्स देखेंगे। ऑलरेडी हम इनको डीपली पढ़ चुके हैं तो हम इनकी जस्ट देखेंगे कि इसमें और हमारे पास क्या वेरिएशन होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देख लिया कि हमने इस लेक्चर में यूटिलिटीज़ शुरू करनी है, हमारे हेल्पर्स डन हो चुके हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटीज़ से। सबसे पहले जो हमारे पास यूटिलिटी है बैकग्राउंड की, ऑलरेडी हम इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड कलर का उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड कलर्स होते हैं। इसमें जो नई चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये बीजी डेंजर है रेड कलर हमारे पास, इसी को थोड़ा सा उन्होंने फेड करके दिया हुआ है, बीजी डेंजर सबटल करके। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने हर कलर का एक सबटल दिया हुआ है जिसमें वो थोड़ा सा लो शेड में सेम कलर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए। हमारे पास बीजी ट्रांसपेरेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अपने यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नई यूटिलिटी एक और इन्होंने दी है वो है बीजी ग्रेडियंट की, यानी कि आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप बीजी ग्रेडियंट यूज़ कर लेंगे तो सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज़ करके भी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम चले, हम यहाँ पे एक यूटिलिटीज की क्लास बना लेते हैं और हमारे पास एक टेप है जिसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, और इसको अब हमने एक क्लास देनी है बीजी की। ये हमने दे दी बीजी प्राइमरी की क्लास। अगर हम जाके अपनी वेबसाइट पर देखें तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ ऐड हो गया। ठीक है, इस टैग के अंदर ही ऐड हो गया है, इसको हम कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेदर से एक बैकग्राउंड ऐड हो गया। अब ये हमारा, हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन अगर हम इसी को बीजी प्राइमरी और एक जो अभी हमने न्यू क्लास पढ़ी सबटल करके वो दें, यानी किसी भी कलर के साथ आप देंगे तो वो थोड़ा सा फेड इन हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसने अपना लो शेड दे दिया उसी कलर का। ठीक है, और अगर हम इसको भी हम ना यूज़ करें या इसके साथ भी हम साथ एक नई क्लास यूज़ करें बीजी ग्रेडियंट की, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कि हमारी स्पेलिंग सही है। GRADIENT। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये ब्लू का उसने थोड़ा सा लो शेड दे दिया। ठीक है, यानी ये सिंपल बीजी प्राइमरी है और अगर हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम कल चेंज करके देखें, डेंजर करके देखते हैं। ठीक है, और अगर हम ग्रेडियंट हटा दें तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये हमने एक न्यू क्लास इसमें हमारी यूटिलिटीज़, यानी कि ये भी हमें अपने काम को इजीली करने के लिए हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास हैं जी बॉर्डर्स। बॉर्डर्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें मैं जल्दी जल्दी से ये थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। एक एडिटिव है, यानी जब हमने बॉर्डर्स ऐड करने हैं तो बॉर्डर की क्लास लगाएंगे तो बॉर्डर सारों में ऐड हो जाएंगे। सिंपल एक एक करके हमने ऐड करने हैं तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्टार्ट करके करेंगे। ठीक है, और बॉर्डर स्टार्ट यानी लेफ्ट, बॉर्डर एंड यानी राइट, बॉटम यानी नीचे और टॉप यानी ऊपर, तो हम बॉर्डर करेंगे। अब सबट्रैक्टिव बॉर्डर्स क्या होते हैं कि हमने अगर बॉर्डर ख़त्म करने हो तो बॉर्डर हाइफन ज़ीरो की क्लास अगर लगाएंगे तो उस चीज़ के बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। इसमें अब क्या हो रहा है कि हम बॉर्डर की क्लास आए तो बॉर्डर लग जाएंगे, बॉर्डर के साथ कलर लिख देंगे तो उसका कलर बॉर्डर्स का वो हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास और क्या है बॉर्डर्स के अंदर? कलर्स हो गया, विड्थ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर वन करेंगे तो बॉर्डर की विड्थ हो जाएगी, ये बॉर्डर फाइव है, ये बॉर्डर वन, ये टू, थ्री, फोर, यानी इस तरह करके हम उसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। रेडियस में क्या होगा कि हम उसके रेडियस को प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करते हुए उस बॉर्डर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी ये राउंडेड है, ये राउंडेड टॉप है सिर्फ, ठीक है, बाकी देखें ये नीचे वाले राउंड नहीं है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, रेडियस यानी कि जो बॉर्डर रेडियस होता है ना, वो यानी कि कॉर्नर्स की सिर्फ बात हो रही होती है। बट राउंडेड एंड कर देंगे तो ये तीसरे वाला हो जाएगा, बॉटम कर देंगे तो ये हो जाएगा, बॉर्डर स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ ये होगा, सर्कल करेंगे तो पूरा सर्कल हो जाएगा बॉर्डर्स, और पिल करेंगे तो ये पिल शेप बना देगा, ठीक है। और इसी तरह हम साइजेस भी कर सकते हैं राउंडेड के, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ले 0 से 5 तक लेके हम उसके कॉर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बॉर्डर्स के जो हैं, ठीक है, हमने बॉर्डर्स के कलर्स पढ़ लिए, अब हम किसी एक चीज़ पे ट्राई भी करके देख लेते हैं इसको। अगर हम किसी भी एलिमेंट को शुरू कर रहे हो जिसको हमने ऑलरेडी क्लास देनी है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं div डॉट बॉक्स टू, ठीक है, और टैब का बटन दबाएंगे तो ये खुद ही उसने क्लास लिख दी है उसमें, सही है। या हमने बॉर्डर देनी थी तो हम इसको बॉर्डर और बॉर्डर डेंजर दे और इसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट को, अब हम ये उसने बना दिया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक स्टाइल देते हैं खुद से, जस्ट हम समझने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी विड्थ होगी 20 px और हाइट होगी 20 px, है, ये एक बॉक्स बन गया, इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, बल्कि अलाइन करते हैं इसको सेंटर में, ठीक है। ठीक हो गया, अब हमारे सेंटर में भी हो गया और उसको एक रेड कलर का बॉर्डर भी लग गया है, इसका बॉर्डर चेंज करते हैं क्योंकि ऊपर भी इसके बॉर्डर ही है, रेड ही है, तो फिर हमें वो एक्चुअल में समझ नहीं आएगी, ठीक है, हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक बॉर्डर लगा हुआ है और एक हमारे पास डिब है, ठीक है, इस पर अब हमने सारी चीज़ें ट्राई करनी है। अगर तो ये हमारे पास कलर हो गया, उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस कहें इसके हम क्लास चेक कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, विड्थ हम दे सकते हैं इसको, पहले विड्थ देते हैं, ठीक है, बॉर्डर 5, या हमने अब इसको 5 विड्थ दे दिया, यानी जो सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद हमारे पास रेडियस की क्लासेस हैं और इसमें से हम रेडियस की देते हैं राउंडेड पिल, और साइजेस में हमारे पास है राउंडेड 5, यानी कि जो आपने रेडियस लगाना है ना उसकी क्लासेस है, ये क्लासेस हैं उसके, राउंडेड, राउंडेड टॉप, राउंडेड वगैरह, ठीक है। हम इसको कर देते हैं राउंडेड, सिर्फ राउंडेड, इससे क्या होगा उसके चारों कोने जो है ना वो राउंडेड हो जाएंगे, देखिए इस तरह के। और इसके बाद हम एक क्लास देते हैं जो, यानी जो उसके कॉर्नर्स राउंड होने ना उनको भी हम साइज दे सकते हैं, यानी ये 0 साइज है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हम इसको 3 साइज दे देते हैं, को हम चेक करते हैं। तो ये देखें सारे बॉर्डर्स भी राउंडेड हो गए हैं, उसकी विड्थ भी बड़ी हो गई है और उसके राउंडेड बॉर्डर्स को साइज भी मिल गया। हमने ये राउंडेड 5 कर दिया, ठीक है, तो 5 से क्या होना था, इसके राउंडेड बॉर्डर्स का सर्कल से शेप बना दी उन्होंने, ठीक है। अगर हम यहाँ से राउंडेड 5 उठा दें और यहाँ से हम राउंडेड सर्कल दे दें या पिल दे दें, सेकेंड इसकी क्लास चेक कर लें, पिल की स्पेलिंग क्या है, PIL ही है, ठीक हो गया।
है, तो हम यहाँ से क्लास दे के भी चेंज कर सकते हैं, और उसके राउंडेड का सर्कल, राउंडेड रेडियस का साइज़ अगर हम चेंज करें तो भी हम इस बॉर्डर्स को अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी यूटिलिटीज़ हैं हम यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर्स हो गए, उसके बाद हमारे पास कलर्स हैं। कलर बेसिक सी चीज़ हमने बहुत दफ़ा पढ़ ली है। ठीक है, हम होवर पे, फोकस पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल से हमारे पास सारे कलर्स हैं, और ये उन्होंने ही कलर्स की ही सारी क्लासेस आपको बताई हुई हैं। इसमें अगर आप इमफेसिस कर देते हैं या बॉडी को सेकेंडरी कलर दे देते हैं, टेक्स बॉडी टेटरी दे दी है, डिफरेंट किस्म के कलर्स के उन्होंने क्लासेस देख के आपको बताया भी है कि कौन सा कलर, यानी डेंजर कलर कौन सा है, सक्सेस कलर कौन सा है। सक्सेस के साथ इम्फेसिस लगा देंगे तो वो देखें, थोड़ा सा उसने उसका लो शेड दे दिया। ठीक है, इस तरह आप इम्फेसिस किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स का हमने बताया हुआ है, इसमें एक डेप्रिसिएटेड चीज़ का बताया हुआ है, तो वो कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई हुई कि अगर आपने ओपेसिटी ऐड करनी है किसी भी कलर के साथ, जैसे अब ये टेक्स्ट का कलर है, इसमें 75% ओपेसिटी दे दी है, इसमें 50% ओपेसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ को कम कर रहा है। ठीक है, उसकी यानी कि जो विजुअली चीज़ है उसकी कमी आ रही है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, आप ये 25% पे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे हम स्टाइल्स यूज़ करते हैं, स्टाइल्स में आपने ये यूज़ करना है, हाइफ़न हाइफ़न BS माइन हाइफ़न टेक्स्ट हाइफ़न ओपेसिटी, और उसके बाद अपने यहाँ पे उसकी जो भी ओपेसिटी देनी है, 0.5, 0.75, या जिस तरह भी वो आप देंगे तो उतनी वो उसको ओपेसिटी लग जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो उतनी ओपेसिटी ले लेगा, और वो आपके कलर के साथ ही मैच करेगी जो आपने उसको टेक्स्ट को कलर दिया होगा। तो ये इसमें इन्होंने बताया हुआ, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ और नहीं है। इसके बाद डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने ऑलरेडी ही पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कि डी के साथ हम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड का पूरा हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने पूरे ग्रिड को पढ़ा था, कैसे ग्रिड यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ से चीज़ों को अपने लेआउट के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमने लार्ज डिवाइसेस पे तो दिखाना है, लेकिन हमने शॉर्ट डिवाइसेस पे यानी कि यानी मोबाइल वगैरह पे हमने नहीं दिखाना, तो उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, DSM डन, यानी कि जब वो स्मॉल डिवाइसेस में जाएगी तो वो डन हो जाएगी। ठीक है, हिडन ओनली स्मॉल डिवाइसेस। तो इस तरह करके इन्होंने पूरी आपको क्लासेस का एक चार्ट बना दिया कि आपने कोई चीज़ अगर सिर्फ लार्ज डिवाइस पे दिखानी है तो आप उसके लिए वो वाली क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजिबल ओनली ऑन लार्ज LG स्क्रीन, तो डी नन कर देना है, यानी हर जगह वो नन रहे लेकिन डी LG पे क्या हो जाए, ब्लॉक लेवल हो जाए, और डी XL पे क्या हो जाए, नन हो जाए, यानी कि लार्ज पे वो खुली रहेगी, ब्लॉक लेवल होगी, लेकिन उससे बड़ी या उससे छोटी पे नन हो जाए। तो इस तरह आप क्लासेस को डिफरेंटली यूज़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं, जो भी आपने काम करवाना हो। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है फ्लेक्स, हमने ये पीछे भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी आइडिया देता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स जैसे ग्रिड है वैसे ही है, अपना लेआउट सेट करने के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम डी फ्लेक्स की क्लास यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक कंटेनर जो है या जो भी वो डिव है या वो एलिमेंट है वो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया। ठीक है, अब अगर हम डी इनलाइन कर दें, डी इनलाइन फ्लेक्स की क्लास यूज़ करेंगे तो वो रहेगी डिव ही, हालांकि डिव इस तरह ही यूज़ होनी थी, लेकिन क्योंकि अब हमने डी इनलाइन फ्लेक्स कर दिया तो वो अब उसको इनलाइन भी बना देगा और फ्लेक्स बॉक्स में भी रखेगा उसको। ठीक है, उसने उसको इनलाइन भी कर दिया। बाकी तो सारी जो नीचे यहाँ पे क्लासेस बता रहे हैं ना, वो सिर्फ मीडिया के यूज़ के साथ है, यानी कि DSM इनलाइन फ्लेक्स, यानी कि आप किसी चीज़ को इनलाइन करना चाहते हैं फ्लेक्स में, लेकिन तब जब वो स्मॉल डिवाइस में हो, ठीक है, या तब जब वो मीडियम डिवाइस में, तो वो उस हिसाब से वो तो हमारा जैसा यूज़ केस होगा। इसी तरह जब हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें वो डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं हम। जैसे ये फ्लेक्स आइटम आ रही है, ठीक है, तो ये है रो, ये रो बनी हुई है ना, लेकिन अगर हम इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रो होगी, इसको हम हटा भी देंगे तो भी रो ही रहेगी, यानी कि फ्लेक्स को हम जब भी यूज़ करते हैं वो शुरू में रो ही करता है। अगर हम इसको फ्लेक्स कॉलम कर दें, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, हर एक आइटम को एज अ कॉलम ले लिया उसने। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉपी, ये चलें इसमें ही काम करते हैं, और एंड पे इसको कॉपी करके हम अपने कोड में भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको यानी कि रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह फिर हम
उनको मीडिया के उसके साथ चेंज कर सकते हैं। यानी हम मोबाइल डिवाइस पे चाहते हैं कि एक चीज़ कॉलम में आ जाए, और क्या नाम है, लैपटॉप में हम चाहते हैं कि एक चीज़, मैं इसमें देख के बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास आप यहाँ पे ब्लॉग्स में जाते हैं हम, ये देखें अब यहाँ पे एक आइटम आ रही है सिर्फ एक रो में, ठीक है। अब हो सकता है हमने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हो और वहाँ पे वो उस चीज़ को कॉलम में डिवाइड कर रहा हो और यहाँ पे उसने उसको रो में डिवाइड कर दिया हो, ठीक है। तो इस तरह अगर हमने डिफरेंटली यूज़ करना हो मीडिया क्वेरीज को, तो हम इस तरह फ्लेक्स बॉक्स के साथ, अगर हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हुआ तो कर सकते हैं, वरना हम ग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हम पोजीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कॉन्टेंट की फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही, कि हम क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में हो जाएगा, एंड करेंगे एंड में हो जाएगा, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, बिटवीन यूज़ करेंगे तो उसने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया, अराउंड में भी इस तरह उसने दे दिया। यानी कि उन्होंने हर एक की एक एग्जांपल भी दी है, जिस तरह आप चाहते हैं इवनली करेंगे तो उसने इवनली गैप छोड़ के सब में उसने उसको डिवाइड कर दिया। ये सारी क्लासेस भी हम मीडिया क्वेरीज के साथ अपने लेआउट को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अलाइन को भी, जैसे जस्टिफाई कॉन्टेंट है ऐसे अलाइन आइटम्स भी हैं, कि हमने आइटम्स को अलाइन करना हो, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है, वर्टिकली, तो वो हम आइटम को स्टार्ट में, एंड में, सेंटर में, बेस लाइन में और स्ट्रेच कर देंगे तो उसने पूरा एक स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, यानी कि उसने पूरी जगह ले ली। इनको भी हम मीडिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर अलाइन सेल्फ है तो अलाइन सेल्फ में क्या होता है, यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स को इंडिविजुअली चेंज कर देते हैं, उनके आइटम्स को ना, यानी इनको इनको नहीं किया उसने, सिर्फ इसको अगर करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह हम एक एक को भी कर सकते हैं, इसमें तो हमारे पास सारी इकट्ठी हो रही है ना। अगर हमने सिर्फ किसी एक आइटम को करना है तो हम उसके लिए अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ये अलाइन सेल्फ स्टार्ट, अलाइन सेल्फ एंड, इस तरह करके। और सेम यही कि ये सारी मीडिया ग्रुप्स के साथ भी यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, फिल वाले में क्या होता है, अच्छा फिल वाला अगर हम कर दें और हमारे पास जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो उस हिसाब से जगह ले लेता है, यानी कि अगर हमने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी है, इसको भी फ्लैक्स की प्रॉपर्टी दी हुई है और इसको भी, और हमारे पास तीन हैं तो उसने खुद ही इसको ज़्यादा जगह दे दी है और बाकियों को उस हिसाब से जो भी बची हुई जगह है वो दे दी है, यानी कि उसने कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टली जगह थी उसने वो ले ली है। इसको भी हम मीडिया ग्रुप के साथ जैसे भी चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रो एंड श्रिंक की प्रॉपर्टीज़ हैं। ग्रो एंड श्रिंक में क्या होता है, अगर हमने इसको ग्रो दे दिया, यानी पहली वाली फ्लेक्स आइटम को ग्रो प्रॉपर्टी दे दी है, तो होगा क्या कि वो सारी जगह ले लेगा और बाकी सारों को, यानी जो बची हुई जगह है वो दे देगा। अब जैसे इसने ये ले ली सारी प्रॉपर्टीज, सारी जगह, ठीक है, और अगर हम किसी को श्रिंक दे देंगे, श्रिंक वन, तो उसने सिर्फ वन कॉलम ले लिया और बाकी 11 के 11 कॉलम जो हमने ग्रिड में पड़े थे वो उसने दूसरी वाली प्रॉपर्टी को दे दिया, क्योंकि दूसरी वाली प्रॉपर्टी को हमने विड्थ 100 भी दी हुई है, ठीक है, दूसरी वाली, सॉरी, एलिमेंट को, प्रॉपर्टी को नहीं, तो उसने इसको विड्थ 100 दी है और इसको श्रिंक कर दिया एक कॉलम के अंदर। हालांकि यहाँ पे वो इस तरह भी कर सकता था ना, जैसे फ्लेक्स आइटम एक लाइन में लिखा, लेकिन उसको इसने इतनी भी जगह नहीं दी, उसको दो लाइनों में फ्लेक्स आइटम लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उसने उसके साथ वाले को विड्थ 100 देनी थी, ठीक है। इसी तरह हम ग्रो एंड श्रिंक के प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं और उसमें 0 और 1 की नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑटो मार्जिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ होती है, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को, यानी कि सिर्फ अलाइन करेंगे तो अलाइन हो जाएगा ना, लेकिन सपोज़ करें हमने सिर्फ इस पहले आइटम को, अब इसमें हमने नहीं दी हुई ऑटो मार्जिन, ठीक है, लेकिन ये दूसरे वाले एलिमेंट में हमने जो पहला एलिमेंट था ना, यानी इट्स इस डिव में तीन बंदे थे, इस डिव की बात कर रहा हूँ, इस डिव में तीन बंदे थे, पहले वाले को हमने मार्जिन ऑटो दे दिया, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, मार्जिन ऑटो दिया हमने, मार्जिन लेफ्ट ऑटो दिया, सॉरी, मार्जिन राइट ऑटो दिया उसको, तो उसने क्या कर दिया, इसको साइड पर रख दिया और बाकी दोनों आइटम्स को साइड, इस साइड पर कर दिया, यानी उनको अलहदा कर दिया। और अगर तीसरे वाले में हमने क्या किया, इसको हमने मार्जिन स्टार्ट यानी मार्जिन लेफ्ट ऑटो दिया, तो क्या हुआ, ये खुद राइट साइड पर आ गया और बाकी सारों को उसने लेफ्ट साइड पर कर दिया, तो यानी कि आपको कुछ और नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने मार्जिन ऑटो दिया उसको, उस हिसाब से उसने सेटिंग कर दी। इसी तरह हम अलाइन आइटम के साथ भी मार्जिन ऑटो यूज़ कर सकते हैं जैसे हम चाहें, वो वर्टिकली ये काम करेगा, ये हॉरिजॉन्टली उसने काम किया है, ठीक है।
रैप में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो हमारी 100% विड्थ से आगे चली गई। अब जैसे ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक विड्थ थी, अब उसमें जगह फ्लेक्स आइटम 8 तक ही थी, फ्लेक्स आइटम 9 नीचे वाली लाइन पे ही आनी थी। लेकिन क्योंकि आपने अगर तो रैप यूज़ किया होगा फिर तो ठीक है, वरना वो उसका कंटेंट ख़राब करके इस तरह ले आएगा। अब देखें आपका कंटेंट भी ख़राब हो रहा है और आपकी जो चीज़ें हैं ओवरफ्लो हो रही हैं, पेज से बाहर जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आप नो रैप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे ना फ्लेक्स रैप, तो रैप में क्या होगा कि वो बड़े अच्छे से लेआउट ख़राब किए बगैर आपका सारा कंटेंट ले आएगा, जहाँ तक पहले लाइन में आएगा वहाँ तक पहले लाइन में, और अगले से दूसरे लाइन में ले आएगा, ठीक है। और अगर हम इसी को फ्लेक्स रैप रिवर्स कर देंगे तो वो जैसे उल्टा कर देगा, यानी पहली आइटम आखिर में और आखिरी आइटम पहले में वो ले आएगा, ठीक है। और इन सबको हम वही मीडिया को जिसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी को चाहते हैं कि शॉर्ट डिवाइसेज में आके वो रैप हो जाए और बिग डिवाइसेज में आके वो नो रैप हो जाए, तो वो हम उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये, कि अगर हमारे पास 3-4 आइटम्स है और उनको हम ऑर्डर 3 दे दें, पहली आइटम को ऑर्डर 3 दे देंगे तो वो तीसरे नंबर पर आएगी। यानी कि लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लेक्स आइटम, ये फर्स्ट फ्लेक्स आइटम हालांकि तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर पहले नंबर पर कोड में, तो वो कैसे हो रहा है इस ऑर्डर की प्रॉपर्टी से, ठीक है। जिस तरह का भी हम ऑर्डर देंगे उसने उस हिसाब से चलना है। अलाइन कंटेंट एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है हमारी जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको इकट्ठा करके वो यूज़ कर लेता है, अगर हम अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। यानी कि हमने अलाइन आइटम्स को यूज़ किया, अलाइन आइटम सॉरी अलाइन कंटेंट सेंटर, तो वो जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देगा और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देगा, ठीक है। इसमें यानी कि अलाइन कंटेंट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ मिली हुई यूज़ हो जाती हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है जब आपने ज़्यादा कोड ना लिखना हो, ठीक है। इसी तरह हम ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बना के दी हुई हैं फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए, यहाँ इमेज है ये सेंटर में टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है ये टॉप में टेक्स्ट है, ये हमने फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने एक कंपोनेंट बना के आपको दिया हुआ है। को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आई थिंक सो फ्लेक्स बॉक्स के बाद कुछ भी नहीं है इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमने यूटिलिटीज़ थोड़ी सी पढ़ी है यहाँ तक, आगे हमारे पास एक दो लेक्चर्स और हैं जिसमें हम और यूटिलिटीज़ पढ़ेंगे। मैं इतना डीप डाउन इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जस्ट ये क्योंकि एक अलग टैब बना हुआ था और अलग से उन्होंने सारा डिफाइन किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा और एक कह लें रिविजन दे दी है इसकी। उम्मीद आपको समझ आई होगी, अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आके खुद आपकी क्यूरीज देखता हूँ। फेसबुक में आपने कैसे पोस्ट करनी है उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जो कि आई टैग में भी आ जाएगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप की हमने 0 to एडवांस सारी बनाई हैं वीडियोज़, तो आपने उसको चेक करना है। और अगर आपको CSS नहीं आती तो पहले CSS की प्लेलिस्ट चेक करनी है और फिर बूटस्ट्रैप वीडियोज़ पे आना है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।